हाँ जी, सभी बच्चे अपनी अपनी रीडर की बुक ले लेंगे। आज हम चैप्टर वन का बुक वर्क करेंगे। आपकी कॉपीज कंप्लीट हैं सभी बच्चों की? चैप्टर वन के आपने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स दोनों हो चुके हैं सभी के? वेरी गुड। चलिए आज हम उसका बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले करेंगे फिलअप्स, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। जो आपको बॉक्स के अंदर ऊपर पर्पल कलर से देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो ऑप्शंस हैं आपके फिलअप्स फिल करने के लिए। ओके, फर्स्ट इज गॉड इज द मोस्ट डैश। वेरी गुड, फर्स्ट फिलअप में आएगा पावरफुल। सभी बच्चे फिल करेंगे साथ साथ। फिल योर फर्स्ट फिलअप विद पावरफुल, POWERFULL, पावरफुल। तेजांशु, नकुल, गुड मॉर्निंग बेटा। अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाइएगा। फर्स्ट लेसन ही करवा रही हूँ बेटा, उसके आज कर रहे हैं फिलअप्स। फिलअप्स एंड टी क्रॉस करेंगे। ओके, रीडर की बुक है पेज नंबर 2, जिसमें फिलअप्स और टी क्रॉस रहते हैं अभी। तो इसमें फर्स्ट फिलअप, हाँ जी, मैंने अभी फर्स्ट फिलअप करवाया है, गॉड इज द मोस्ट डैश पावरफुल, POWERFULL, पावरफुल। सेकंड वन है मैन शुड बी डैश, वेरी गुड, काइंड, KIND, वेरी गुड स्टूडेंट्स। इट मीन्स आपको चैप्टर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है, समझ आया है, है ना? ओके जी, थर्ड वन इज यूसुफ लिव्ड इन डैश अरेबिया। हाँ जी, वेरी गुड, अरेबिया फिल कीजिए। एक कैपिटल आएगा बेटा, कोई भी सिटी का नाम हो, शहर का नाम हो, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आता है। ए कैपिटल लिखना है अरेबिया का, ARABIA, अरेबिया। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंजर टोल्ड यूसुफ दैट ही वॉज एन डैश। एन लगा है तो क्या आएगा, वोवल साउंड है। वेरी गुड, accused, 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 done, okay, next one is, the stranger dashed the horse and went away, mounted, very good, mounted आएगा। माउंटेड का मतलब होता है किसी एनिमल के ऊपर चढ़ना, राइडिंग करना। ओके, माउंटेड की स्पेलिंग लिखिए, MOUNTED, माउंटेड। नेक्स्ट वन है डैश इज अ ग्रेट वर्च्यू। कौन सी चीज एक गुण है, फॉरगिवनेस, वेरी गुड। नेक्स्ट वन है से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर टिक एंड फॉल्स फॉर क्रॉस। ओके, टिक और क्रॉस लगाना है आपको, जो ट्रू है उसके लिए टिक और जो फॉल्स है उसके लिए क्रॉस।
चलिए फर्स्ट वन करते हैं, गॉड हैज मैनी नेम्स, भगवान के कई नाम हैं। वेरी गुड, टिक लगाइए सभी, टिक। सेकेंड वन, गॉड इज लाइबल टू कमिट मिस्टेक्स, भगवान बहुत सारी गलतियां करता है। क्रॉस, भगवान गलतियां नहीं करता, इंसान गलतियां करते हैं। तो सेकंड में क्या आएगा? क्रॉस। थर्ड वन इज यूसुफ वाज काइंड यंग मैन। क्रॉस क्यों आएगा बताइए? टिक नहीं आएगा, ओल्ड मैन था। क्रॉस आएगा क्योंकि वो ओल्ड मैन था, काइंड तो था लेकिन बूढ़ा आदमी था। ओके, नेक्स्ट वन इज यूसुफ। हाँ जी, थर्ड में क्रॉस, सेकंड में क्रॉस। फोर्थ, यूसुफ वॉज द मर्डरर ऑफ यूसुफ सन, सॉरी, यूसुफ वेक अप द स्ट्रेंजर अर्ली इन द मॉर्निंग। यूसुफ ने स्ट्रेंजर को सुबह प्रातः काल जल्दी उठा दिया। टिक टिक आएगी बेटा, राइट आएगी। सुबह जल्दी उठाया था ना, वो कह रहा था कि तुम यहां से चले जाओ ताकि तुम्हें सैनिक पकड़ ना सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंजर वॉज द मर्डर ऑफ यूसुफ सन, जो स्ट्रेंजर था उसी ने यूसुफ के बेटे का खून किया था। यस, टिक आएगी, वेरी गुड, ट्रू है ये भी। ओके, लास्ट वन इज फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, फॉरगिवनेस सबसे बड़ा गुण है। ठीक, अच्छा अब मुझे बताइए फॉरगिवनेस का मीनिंग क्या होता है? बताइए फॉरगिवनेस का क्या मीनिंग होता है? वेरी गुड, हाँ जी, माफी मांगना, फॉरगिवनेस माफ कर देना। ओके, माफ कर देना, हाँ जी, माफ कर देना सबसे बड़ा गुण है। नहीं बेटा, माफ करना, हाँ जी, बेटा मैचिंग तो है ही नहीं इसमें। ठीक बेटा, न्यू वर्ड है वो, तो वर्ड मीनिंग है वो मैं करवा चुकी हूँ आपको। जी बोलो बेटा, वही तो करवाई है मैंने अभी, यही तो करवाए हैं। बेटा क्वेश्चन आंसर देखिए, दोबारा सुनिए, पावरफुल, काइंड, अरेबिया, एक्यूज्ड एंड माउंटेड, और सिक्स्थ में आएगा फॉरगिवनेस। करते आप लोग, माइक ऑफ कीजिए सभी बच्चे। अब ठीक है, अब नहीं आएगी। चलिए टिक क्रॉस दोबारा मैच करेंगे। गॉड हैज मैनी नेम्स, टिक। सेकंड है गॉड इज लाइबल टू कमिट मिस्टेक, क्रॉस। यूसुफ वाज अ काइंड यंग मैन, क्रॉस। यूसुफ वक अप द स्ट्रेंजर अर्ली इन द मॉर्निंग, टिक। द स्ट्रेंजर वॉज द मर्डरर ऑफ यूसुफ सन, टिक। फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, टिक। जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं वो कल के लेक्चर की वीडियो देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर की, पिछले वीरवार वाले की।
और इसमें बेटा मैंने ना स्टडी मटेरियल में जाके आप वहां पे इमेज खोलोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे वहां पर। ओके बेटा, स्टडी मटेरियल में पीपीटी ऐप में ही स्टडी मटेरियल में जाओगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इमेज में है, वहां पे तीन ऑप्शन आते हैं, यूट्यूब, इमेज और डॉक्यूमेंट। आपने इसमें से इमेज पर करना है। ठीक है, नहीं जी वर्ड पावर नहीं करना है, बस इतना ही काम था आज। इसके बाद खोलिए चैप्टर नंबर 3। देखो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, जो पोईम है, ये आपके सिलेबस से कट है। ओके, हाँ जी, ये नहीं करनी है आपने। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बैसाखी, जो कि अभी अभी त्योहार आया था ना 13 अप्रैल को। हाँ जी बोलो। कल नहीं है, 13 अप्रैल, 13 को था बेटा, 1/3/13 को। ओके okay? इसको आज हम शुरू करेंगे और हाफ चैप्टर रीड करेंगे आज इसका। हाँ जी करो, चलो ओके। पहले अनमोल रीड करेगा। हाँ जी, नहीं, मैं बता रही हूँ, बैसाखी जो है सिखों का एक मुख्य त्योहार है, एंड इज सेलिब्रेटेड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। ये बहुत ही जोश, उत्साह और खुशी के साथ पंजाब में मनाया जाता है। एंथुइज्म ये होगी बेटा लाइन, एंथुइज्म एंड गेटी ऑफ इन द स्टेट ऑफ पंजाब। आगे पढ़ो बैसाखी। हाँ जी जॉयफुल, जॉयफुल, वेरी गुड। बैसाखी फेस्टिवल जो है रबी क्रॉप्स की कटाई के समय किया जाता है। रबी की फसलें होती हैं जैसे गेहूं, चना, जौ, इन फसलों की कटाई पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। एंड दे सेलिब्रेटेड द डे, और इस दिन को वो भंगड़ा और गिद्दा दोनों डांस करके इस फेस्टिवल को मनाते हैं। गुरु गोविंद, पंथ, वेरी गुड, पंथ खालसा। ये बैसाखी का दिन ही था 1699 में, जब गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने पंथ खालसा की स्थापना की थी, यानी कि उन्हें पंथ खालसा की नींव रखी थी। इतना समझ आया सभी को? क्लियर है इतना? ओके जी, बैसाखी बताइए किसका फेस्टिवल है, किन लोगों, कौन से लोग मनाते हैं? सिख लोग। अच्छा, कब मनाते हैं?
13 अप्रैल जब रबी क्रॉप्स को काटा जाता है। एक मिनट रुको। इस दिन बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद बेटा माइक ऑन करके ना बच्चे ऑफ नहीं करते, माइक ऑफ किया करो भाई। हाँ इसलिए आपका तो ऑन है। ये देखो अब मैं बताऊं किस किस का ऑन है। नहीं अब आपकी टर्न खत्म हो गई अनमोल, अब दूसरे बच्चों ने भी करने है ना रीड, है ना। चलो गीतिका करेगी रीड। ओके हाँ नहीं गीतिका करेगी, पहले गीतिका फिर कनिष्का। ओके ईशानी से भी करवाऊंगी। वैशाख रीजन बेटे, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कीजिए अपने बैसाखी फेस्ट। रुको गीतिका, बैसाखी फेस्टिवल जो है वैशाख मंथ के पहले दिन होता है, तो वैशाख मंथ हमेशा 13 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसीलिए उस दिन बैसाखी मनाई जाती है। फॉर दिस रीजन, इसी कारण बैसाखी इज पॉपुलरली नोन एज वैशाखी, इसीलिए वैशाखी को वैशाखी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर द डेट ऑफ वैसाखी कॉरेस्पॉन्ड्स टू अप्रैल 13 एवरी ईयर, तो इसीलिए इंग्लिश कैलेंडर्स जो हमारे घरों में होते हैं उनके अकॉर्डिंग 13 अप्रैल के दिन हर साल वैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल को आता है। द ऑस्पिशियस डेट ऑफ वैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया अंडर डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट सेट ऑफ रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशंस। तो इस पवित्र दिन को जिसे वैसाखी कहा जाता है पूरे भारत में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और अलग अलग रीति रिवाजों के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे मनाया जाता है। इतना क्लियर है सभी को? नहीं बेटा आज के लिए इतना ही कर, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी चैप्टर कल रीड करेंगे। ओके सभी बच्चों को समझ आया ना इतना? ओके जी, थैंक यू फॉर योर क्लास, आई हैव नेक्स्ट क्लास। ओके इसी चैप्टर को दोबारा से रीड करना है सभी बच्चों ने। ओके जी बाय बाय बेटा। आपने जाकर सभी बच्चों ने होमवर्क देखना है आपने। ओके जी बाय।